नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरजला.com। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज अली। इस वक्त मैं खड़ा हूं शाहबाद कोतवाली के बाहर। यहां की ढगिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोरके जदीद का एक मामला है, जहां पर पुलिस की खाकी पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं और दागदार हुई है। दरअसल यहां पुलिस चौकी में तैनात दो सिपाहियों पर मारपीट करने का और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल शाहबाद के ढकिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भोरके जदीद निवासी ऋषि पाल की पत्नी ने उनकी शिकायत घरेलू बात को लेकर कर दी थी। इसी बात का आधार बनाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी जयदेव और अमित द्वारा उनको घर से उठाया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। इस मामले में सीओ कार्यालय के बाहर पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और अब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दोनों आरोपी सिपाही अभी पुलिस का जिससे बाहर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? पूरा मामला बताइए। ऋषि पाल। जोर से बोलो। ऋषि पाल। क्या घटना हुई? घरवाली दावा करने गई, आपस में लड़ाई हो गई हमारी परिवार ने। भाई बात में रात में दारू पी के मेरी पिटाई लगाई पुलिस वालों ने। दो जने नाम उनको जयदेव चौहान चौहान और ये कमी थी। खाना खाने भी पिटाई लगा रही और नंगे करके पिटाई लगाई, पैर दबाई मुझसे। कहाँ पर, कौन सी जगह? ढकिया चौकी। आप रहने वाले कहाँ के? ग्राम बोर की। अच्छा, ये कब की घटना है? ये परसों कल की है, रात की। कल रात की, आज है सोमवार, रविवार रात की। आप कार्रवाई के लिए आए सीओ साहब के यहाँ? हाँ जी। आपने अधिकारियों से शिकायत की थी ऊपर अधिकारियों से? हाँ करिए। क्या कहा उन्होंने? आ रहे हैं सब आज के लिए। ठीक। मामला सामने आया है, वो पूरा मामला क्या है, उसमें आपने क्या एक्शन लिया है और उसमें संदेश क्या है आपका? इस थाना सावा क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में दो आरक्षियों द्वारा पति को चौकी पर लाया गया था और पूछताछ के दौरान जैसा कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि आरक्षियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर आरक्षियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर बाकी लोगों के? देखिए, पुलिस का कार्य लोगों की सेवा करना है, जन सुनवाई करना और हर प्रकरण में संवेदनशील रहना। किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट किसी भी दशा में अलाउ नहीं की जाएगी और मेरा स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।